तो आप चिंता मत करो, एलोपैथिक का तो कर ही रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद के भी 11 नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, जिनके माध्यम से आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में भी मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान बनेगी। 5 मेडिकल कॉलेज तो इसी सत्र में खुलेंगे, वो 6 अगले सत्र तक जाएंगे, वो 47 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हमारे लिए वर्तमान के दौर में। अब तो 55 जिले हैं, लेकिन आयुष्मान विभाग के माध्यम से आयुर्वेदिक के सभी प्रकार के मेडिकल, होम्योपैथिक और यूनानी एक एक मिला लें तो 57 से ज्यादा कॉलेज मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। ये हमारा समृद्ध मध्य प्रदेश जो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ रहा है। और केवल चिकित्सा नहीं, आज तो एक नया सवेरा निकला है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी अभी तक तो आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज 60 साल के अंदर होता था, लेकिन अब 70 साल वाले अलग से लोगों के लिए, एक बार जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जिनके माध्यम से आज सौगात मिली है। हमारे सभी प्रकार के चिकित्सा परमात्मा के द्वारा दिया हुआ या काया है, कोई कारण से बीमार हो जाए, कोई कारण परेशानी आ जाए, तो आज अपने बीच में यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5 लाख की ताकत दी है। कोई भी बीमार होगा हम उसके हाथ में आयुष्मान कार्ड देंगे, लेकिन आज इससे बढ़कर मध्यप्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी सौगात दी है, कृपया आप सब भी सुन लेना, ये आपके लिए दी है। जो भी आयुष्मान कार्डधारी है वो अपने किसी भी स्थान पर गांव के अंदर कोई दुर्घटना हो जाए, भगवान न करे कोई रोड के ऊपर किसी कारण से उसको अच्छे चिकित्सालय पहुंचाना है, तो हमारी सरकार ने आपके यहां तो हवाई पट्टी है मंदसौर नीमच रतलाम में, उनके लिए हवाई जहाज भेजेंगे, उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। और जहां हवाई पट्टी नहीं है, कोई कारण से जंगल का इलाका है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों डिसाइड करेंगे कि इसको दिल्ली, बंबई, इंदौर, भोपाल जहां अच्छी चिकित्सा सुविधा है तो हेलीकॉप्टर से भी ले जाना पड़े तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से वहां से भी उठा के ले जाएंगे। हमारे अपनी सरकार का निर्णय, गरीब आदमी की जीवन बचाना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। का सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों के लिए कोई अंतर नहीं। यहाँ 88 लाख परिवारों को 6-6 हजार रुपया प्रति किसान परिवार, उनके माध्यम से 1,625 करोड़ की राशि उनके खाते में धनतेरस और दिवाली मना रही है, ये सौगात यहाँ से दी गई है। वो सारे किसान परिवार को मैं बधाई देना चाहूंगा, ये प्रधानमंत्री की योजना थी, उन्होंने 6,000 वो 6,000 हमारे माध्यम से अर्थात 12,000 रुपया प्रत्येक परिवार में देने का आज जो ये सिलसिला हुआ है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि केवल ये नहीं, विकास के मामलों में भी आज 127 करोड़ से ज्यादा धनराशि के अलग अलग प्रकार के जो निर्माण कार्य के शुभारंभ हुए, जोरदार अभिनंदन करो अपने इस विकास कार्य के, इस कारवा के लिए। आज यहाँ मन से मंदसौर के नए पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ, जोरदार अभिनंदन करो अपने सभी प्रकार की छोटी छोटी जरूरतों के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट दोगे, जिला प्रशासन के माध्यम से वो भी आप तक पहुंचाई जाएगी। मंदसौर के अंदर आज जिस प्रकार से 302 करोड़ का मेडिकल कॉलेज, जोरदार अभिनंदन करो किसको कहते हैं 302 करोड़ का, वो सब मिलाकर के 2000 करोड़ का ये जो नए निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ, मेरी अपनी ओर से बधाई देता हूँ। सभी बहनों और भाइयों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परंपरा के अनुसार आज से दीपावली प्रारंभ हो रही है, दीपावली का महापर्व, और धनतेरस के दिन हम चांदी का सिक्का और बर्तन कई वर्षों से खरीदते हैं, आज भी लोटा और गिलास खरीदा है, चांदी का सिक्का भी लिया है, दीपक जला के आज दीपावली की शुरुआत भी की है।
मैं अपने सभी बहनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सब सुखी रहें, सब निरोग रहें, सबका मंगल और कल्याण हो और लक्ष्मी माँ सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करें। हम में से अधिकतर लोग उस पृष्ठभूमि से आए हैं जहां बीमारी का मतलब होता है पूरे परिवार पर मानो बिजली गिर गई हो। गरीब के घर में कोई एक अगर गंभीर रूप से बीमार होता है तो उसका असर घर के हर सदस्य पर पड़ता है। एक समय था जब इलाज में लोगों को घर, जमीनें, गहने सब बिक जाते थे। गंभीर बीमारी के इलाज का खर्च सुनकर ही गरीब की आत्मा कांप जाती थी। बुजुर्ग मां सोचती थी कि अपना इलाज कराऊं या नाती पोते की पढ़ाई। बुजुर्ग पिता सोचता था अपना इलाज कराऊं या घर के खर्च देखूं। इसलिए गरीब परिवार के बड़े बुजुर्गों को बस एक ही रास्ता दिखाई देता था, चुपचाप तकलीफ सहो, दर्द बर्दाश्त करो, चुपचाप मृत्यु का इंतजार करो। पैसे की कमी की वजह से इलाज ना करा पाने की वो बेबसी, वो बेचारगी गरीब को तोड़कर रख देती थी। मैं अपने गरीब भाई बहनों को इस बेबसी में नहीं देख सकता था, इसलिए ही उस संवेदना में से 2024-25 की किस्त का वितरण रिमोट के माध्यम से, सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आदर पूर्वक आग्रह, 81 लाख से ज्यादा किसानों को। आज के इस अवसर पर एक नए मेडिकल कॉलेज की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं आने वाले दिन। आज मेरठ वासियों को मैं नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएसए के मंच पर। मैं राकेश पाटीदार आप सभी का स्वागत करता हूं शाम के शानदार न्यूज सेशन में। साथियों, मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को देने जा रही है 1500 रुपए, लेकिन ये कब होगा ये आज तक पता नहीं है। साथियों, साथ में आप लोगों को आज की हेडलाइन में पता लगेगा लगभग, देखो ध्यान रखो, आप यहां देख सकते हो अभी 81 लाख से अधिक किसानों को यहां पर मिलने वाले हैं 1600 करोड़ से ज्यादा का अनुदान। पूरी बात बताऊंगा, साथ में महिलाओं को 1500 रुपए कब मिलेंगे, मांग तो 3000 की है लेकिन 1500 इस समय कब मिलने वाले हैं। दीपावली आ गई है, मोहन सरकार क्या कर रही है, क्योंकि शिवराज सरकार ने तो भैया दीपावली की 1 तारीख को ही पैसे डाल दिए थे ताकि दीपावली मनाई जा सके महिलाओं के द्वारा। लाडली बहनाएं क्या करेगी, लाडली बहनाएं इस समय बैंक में लगी हुई हैं, पूरी बात बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले आइए हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। सेशन को आप लोग सभी शेयर करें, किसानों के लिए अनुदान बहुत अच्छा मिला है, आइए वीडियो को पूरा देखिएगा। इस कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 की किस्त का वितरण रिमोट के माध्यम से, सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आदर पूर्वक आग्रह, 81 लाख से ज्यादा किसानों को 1624 करोड़। एक बार जोरदार तालियां बजाएं मंदसौर, ऐसा नेतृत्व जो हमारे प्रदेश को मिले हैं, 81 लाख से ज्यादा किसान। हमारा देश कृषि प्रधान है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी सोच है और उसी दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ हाथों से आज। और अब हमारे से ज्यादा किसानों तक, देखा जी, देखा आप लोगों ने किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 81 लाख किसानों को मध्य प्रदेश में यहां पर अनुदान दिया गया किसानों खातों में, सिंगल क्लिक पर 1624 करोड़ रुपए की राशि सिंगल
क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करी गई। देखो मोहन सरकार बहुत कुछ प्रयास कर रही है शिवराज सिंह की राह पर चलने का। अब ये तो वक्त बताएगा कि आगे अगले 5 साल के समय किस प्रकार के गुजरने वाले हैं। फिलहाल ये 5 साल 29 सीटें बहुत लाभ पहुंचाएगी इस मोहन सरकार को, क्योंकि जनता ने, महिलाओं ने, लाडली बहलाओं ने पूरा पूरा समर्थन दिया और किसानों को यहां पर बंपर 81 लाख से अधिक किसानों के खातों में लाखों करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे सिंगल क्लिक के साथ में। इसी के साथ में आप यहां पर देख सकते हैं मोहन सरकार ने आज बहुत ज्यादा बड़ी घोषणाएं की है। इन बड़ी घोषणाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और फिर महिलाओं को 1500 रुपए कम मिल रहे हैं, महिलाएं इस समय बैंक में लाइन में खड़ी है, इसके बारे में भी आपसे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर में आपके अकाउंट में दीपावली पर कब तक पैसे आ जाएंगे। पहले आइए मोहन सरकार के माध्यम से करी गई आज बड़ी घोषणाओं को समझने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर एक नए मेडिकल कॉलेज की शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, आने वाले दीपावली पर की मंगल कामना करता हूँ, बधाई देता हूँ। और एक फोर लेन आप मांग रहे हो, इतना सारा काम आपने करा लिया है, अब तो जग खाओ भैया, थोड़ा थोड़ा दया करो। लेकिन आपने कहा कि झालावाड़ रामपुरा होकर के नीमच से झालावाड़ होकर फोर लेन बनाने की मांग कही है, और मैं भूल नहीं सकता हूँ, रामपुरा से भी मेरा विशेष संबंध रहा है जगदीश देवड़ा जी के माध्यम से 40 साल से। हमारे बीच में भले वो मलारगढ़ के विधायक है लेकिन पूरे प्रदेश के नेता है और परिषद के समय से जगह जन जन से जुड़े हुए, इसलिए निश्चित रूप से इस घोषणा करता हूँ ये फोर लेन के माध्यम से एक नया विकास का दरवाजा खुलेगा। देखा आप लोगों ने आप सबको आगामी कि किस प्रकार मोहन यादव साहब ने मध्य प्रदेश जनता के लिए बहुत सारी घोषणाएं करी है। एक तरफ किसानों को साधे रखा है, एक तरफ महिलाओं को साधे रखा है, इस समय महिलाएं बैंक में लाइन बनाकर खड़ी है, भाई कब मिलेगा पैसा। लाडली बहना दीपावली का बोनस लेने बैंक पहुंच चुकी, लेकिन भैया पैसे कब आएंगे ये बता दीजिए, क्योंकि शिवराज सरकार ने तो दीपावली की 1 तारीख को ही डाल दिए थे, अब मोहन सरकार कब डालने वाली है, 1500 रुपए का आप क्या उपयोग करोगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए महिलाओं को एक शानदार वीडियो देखने का प्रयास करते हैं। पहले भाई साहब इतनी लंबी लाइन कहीं नहीं देखी होगी, खाना खाते हैं वहां भी इतनी लाइन नहीं होगी, पंगत में इतना वेटिंग नहीं करना होगा। जितनी महिलाएं आज लाडली महिलाएं बैंक में इंतजार कर रही है साहब पैसा कब आएगा, क्योंकि दीपावली भी तो मनाना है। 5 लाख रुपए हर महीने मिलेंगे इसके पहले, ये मुद्दा क्या है पूरी बात बताऊंगा, लेकिन उसके पहले अभी तक आप लोगों ने दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन, दीप्ति सिंह एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लीजिएगा। यहाँ आपको पढ़ाते भी हैं, सारी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करवाते हैं, चाहे महिला पर्यवेक्षक हो, चाहे एमपीटेट वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो, चाहे फिर आपका वर्ग 3 के नोट्स क्यों ना हो, एमपीपीएससी के नोट्स मिल जाएंगे, वर्ग 3 के नोट्स मिल जाएंगे, महिला पर्यवेक्षक के नोट्स मिल जाएंगे, 2500 प्लस एमसीक्यूज व्याख्या सहित कोई नहीं देगा, विद पेडोलॉजी के साथ में सारे विषय एकेडमी के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाते हैं। प्री बुकिंग कर सकते हो दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन पर, आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है। अभी तक दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कराओ तो डाउनलोड नाउ, फ्री पीडीएफ, करंट अफेयर्स, फ्री क्विज, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सब कुछ मिल जाते हैं। आइए जानने का प्रयास करते कि 5 लाख रुपए हर साल किस प्रकार से आपको बोनस मिलेगा, किस प्रकार से फायदा होगा। आइए, योगी सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। योगी सरकार ने बताया है कि किस प्रकार, देखिए योगी सरकार देने जा रही है प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर। आइए योगी साहब की इस घोषणा के बारे में जानते हैं और आगे फिर चर्चा भी करेंगे। आज मेरठ वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आरोग्य के देव भगवान धन्वंतरी की इस पावन जयंती पर पूरे देशवासियों को हजारों करोड़ रुपए की
योजनाओं का आज यहां पर देशवासियों को सौगात जहां प्राप्त हो रही है, वहीं साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हो, इसकी सुविधा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए ASIC के हॉस्पिटल के शिलान्यास, आयुष्मान भारत की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रारंभ होने, उत्तर प्रदेश के अंदर CDRI और एम्स गोरखपुर को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की परियोजना के साथ ही तमाम नए चिकित्सा संस्थान देश के अंदर प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को, मेरठ वासियों को, जो श्रमिक इसका लाभ लेंगे, उन श्रमिकों को, जिन लोगों को लखनऊ और गोरखपुर की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, इन सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मध्य प्रदेश में भी आप लोगों को बहुत प्रकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा कि किस प्रकार से यूपी में सीएम साहब ने, वहां के योगी सरकार ने 5 लाख का यहाँ पर स्वास्थ्य बीमा देने का प्रयास करा जनता को। मध्य प्रदेश की किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नोट्स परचेस करना है, बुक्स परचेस करना है, सारी चीजें आपको दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर मिल जाती है। दीप्ति सिंह एकेडमी की विश्वसनीय टीम आप लोगों को आपके लक्ष्य तक पहुंचाने का पूरा काम करती है। वर्तमान में आने वाली MPPSC की एग्जाम जो 16 फरवरी को है, उसके लिए भी दीप्ति सिंह एकेडमी कर्तव्यबद्ध है, आपके सामने साकार करने का पूरा प्रयास कर रही है। आज ही दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लोग नोट्स परचेस करना चाहते हैं, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, चाहे वर्ग 3 के नोट्स हो, चाहे PSC की बात करें, MPPSC के आपको सारे नोट्स मिल जाते हैं, आप इन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं दीप्ति सिंह एकेडमी के एप्लीकेशन पर। नीचे दिए गए नंबर पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं या फिर दीप्ति सिंह एकेडमी के ऑफिशियली एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इन्हें देख पाएंगे। इसी के साथ आप लोगों से अलविदा लेते हैं, मुलाकात होगी बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखें, सभी को शुभ दीपावली। जय हिंद, जय भारत।